मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे बिहार से। बिहार में लगातार जो सियासी सरगर्मियां देखने को मिली हैं, बिहार में जो सियासी हालात देखने को मिले हैं, वो सीधे सीधे तौर पर ये हालात बता रहे कि किस तरह से बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में अब दूरियां तो बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन खबर सामने आई है कि आरसीपी सिंह के समर्थन में, आरसीपी सिंह के संपर्क में जेडीयू के कई विधायक हैं। जी हां, महाराष्ट्र वाला खेला अब बिहार में रचा जाएगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने देखा कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ विधायकों की बड़ी संख्या बल थी और शिंदे के साथ ये विधायक थे और एंड टाइम पर बीजेपी ने इनके साथ मिलकर अपनी पूरी स्थिति ही मजबूत बना ली। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आरसीपी सिंह के साथ अगर ये जेडीयू के विधायक संपर्क में, तो समझिए अगला जो नंबर बिहार में मुख्यमंत्री बनने का है वो है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह की नजदीकियां लगातार बीजेपी के साथ बढ़ती चली जा रही थी और ऐसे में देखा जा रहा है कि आरसीपी सिंह पर बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला। तो बिहार में हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाक के नीचे आरसीपी सिंह ने जो खेल रचा, नीतीश कुमार को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई और इसीलिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के खिलाफ, जी हां, मुहिम छेड़ दी। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर आरसीपी सिंह से जो मतभेद चल रहा है नीतीश कुमार का, और जिस तरह से तनातनी हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस तौर इशारा कर रहा है कि क्या वाकई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, क्या वाकई बहुत बड़े स्तर पर जो हम देख रहे हैं माहौल या बहुत बड़े स्तर पर हम जो चीजें देख रहे हैं, क्या वो ये नहीं बता रहा कि आज किस तरह से बहुत बड़ी मुश्किल में घिर चुके हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ गद्दारी आरसीपी सिंह ने की है। यानी कि आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार को इस बारे में पता ही नहीं चला। जब पता चला तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने आरसीपी सिंह के खिलाफ ही कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया। तो जो महाराष्ट्र में खेला रचा गया एकनाथ शिंदे के द्वारा, वो आरसीपी सिंह के जरिए रचा जा रहा है। बीजेपी वो सोचती है जो विपक्ष कभी सोच ही नहीं पाता। तो सीधे तौर पर आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह की सोच रख रही है, बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं इसका साफ मतलब ही यही है कि क्या वाकई बहुत बड़े स्तर पर जो नुकसान है वो किसको उठाना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत बड़े स्तर पर जो नुकसान है वो बिहार में जो है वो नीतीश कुमार को, जी हाँ, उठाना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी ने कर ली है आरसीपी सिंह के जरिए और आरसीपी सिंह शायद बिहार के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसीलिए बिहार में जो भी बवाल जो हुआ है, जेडीयू में तनातनी जो हुई है नीतीश आरसीपी सिंह के बीच, उसमें बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब तिली बीजेपी ने लगा दी और चिंगारी अब लग चुकी है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।